एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप यू ऑल आर फाइन देयर। सो हेयर यू आर एबल टू सी द बुक ऑन द स्क्रीन राइट नाउ एंड यू नीड टू ओपन द सेम बुक। ओके, एज वी आर गोइंग टू स्टडी द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर 7 थिंग्स अराउंड अस। सो वी आर हेयर टू डिस्कस अबाउट लिविंग थिंग्स मूव। अभी हम क्या है, लिविंग थिंग्स के सारे फीचर्स पढ़ रहे हैं। लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं, रेस्पिरेट करते हैं, है ना, मूव करते हैं, फूड चाहिए होता है उनको। ओके, सो लिविंग थिंग्स मूव। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकेशन और लोकोमोशन, यू कैन से। मूवमेंट क्या होता है, देयर आर सो मैनी जॉइंट्स इन योर बॉडी पार्ट्स। आपके बॉडी पार्ट्स में बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं, जब आप उनको मूव कराते हैं दैट इज़ द मूवमेंट। जब आप चलते फिरते हैं, दौड़ते हैं, स्विमिंग करते हैं, फ्लाई करते हैं, तो ये सब क्या होते हैं, लोकोमोशन। तो जो एनिमल्स होते हैं और ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो सभी क्या हैं, लिविंग हैं, और वो लोकोमोट भी कर सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं। मूवमेंट भी होता है, लोकोमोशन भी होता है। बट जो प्लांट होते हैं, उनके भी लीव्स, उनकी स्टेम इधर से उधर इस डायरेक्शन में मूव कर सकती है, बट लोकोमोशन उनमें नहीं होता है, जब तक कि एनिमल्स और ह्यूमंस उनको हेल्प नहीं करते हैं। आपने भी प्लांट जहाँ पे लगा दिया है, एक बार फिक्स कर दिया है, वो फिर मूव कर सकता है, लेकिन लोकोमोशन नहीं होता है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। जो लिविंग थिंग्स होते हैं, वो अपने ही काइंड के जो बेबीज हैं उनको रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि जो प्लांट होगा उसके उसी के बॉडी पार्ट्स जो भी होंगे, स्टेम, रूट्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सभी रिप्रोड्यूस होते हैं। और कभी भी पॉलन ग्रेन्स या पॉलिनेशन होता है, पौधे के जो सीड्स होते हैं उस फ्लावर के अगर गिर जाते हैं तो वो खुद भी रिप्रोड्यूस होते रहते हैं, ठीक है ना। एनिमल्स होते हैं, वो अपने यंग वंस को अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे कि डॉग्स के पपीज होते हैं, कैट्स के किटन, लाइंस के कब्स, ह्यूमन बींग्स के बेबीज ऑफ देयर ओन काइंड। नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन। मीन्स सभी का, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनकी जीवन अवधि होती है कि कितने वर्ष तक वो जीवित रहते हैं, एक एवरेज लाइफ स्पैन। तो जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हाउस फ्लाई है 1 to 4 months, राइट। लॉयन है 20 to 25 years, इतने से इतने वर्ष तक ये जीवित रहता है। एंड टॉर्टोइस 120 to 150 years, मीन्स 120 to 150 साल तक। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट रेडवुड ट्री। रेडवुड ट्री 4000 सालों तक ये अलाइव रहता है। इफ़ वी टॉक अबाउट माउस, दिस इज 2-3 years, 2 to 3 वर्ष तक। नेक्स्ट है कोई भी बर्ड, 15 to 20 साल। एंड लास्ट इज ह्यूमन। ह्यूमन का कितना रहता है, 70 to 80 years एवरेज। ओके, डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है। लिविंग थिंग्स आपकी चलती फिरती हैं, खाती पीती हैं, रेस्पायर करती हैं, ग्रो करती हैं, शेप साइज उनका सब चेंज होते रहता है, स्टिमुलाई होता है जब हम उनको टच करते हैं तो वो रिएक्ट करती हैं। ओके, उनका एक एवरेज लाइफ स्पेन होता है, लाइफ टाइम होता है, बट नॉन लिविंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सो देयर इज गिवेन, लिविंग थिंग्स नीड फूड। लिविंग थिंग्स को भोजन की आवश्यकता होती है, नॉन लिविंग को नहीं होती है। लिविंग थिंग्स ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, नॉन लिविंग नहीं करते हैं। लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं करते हैं। लिविंग थिंग्स अपने ही जैसे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अपने बेबीज को, नॉन लिविंग नहीं कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स मूव कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं करते हैं। कोई चेयर है, जब तक आप उसको हेल्प नहीं करेंगे वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो स्टिमुलाई मींस रिएक्ट करते हैं किसी भी टच को, नॉन लिविंग नहीं करते हैं। लिविंग थिंग्स का लाइफ स्पैन होता है, नॉन लिविंग का नहीं होता है। सो हेयर योर चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड। फाइंड आउट द एक्सरसाइज ऑफ सेम चैप्टर। ओके,
टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।